चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर मोइन अली अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नहीं जुड़े हैं। वो अभी भी इंग्लैंड में हैं, उनको अभी तक वीजा नहीं मिला है। क्या है उनसे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारी जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है कि कब तक मोइन अली आ सकते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आईपीएल 2022 से रिलेटेड लेटेस्ट और ट्रस्टेड अपडेट्स के लिए। आपको बता दें कि अभी भी मोइन अली इंग्लैंड में ही है, वो भारत नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ट्रैवल के पूरे पेपर्स नहीं है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कुछ दिन पहले कहा था कि मंडे तक उनको पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक उनको पेपर्स नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि मोइन अली ने अपने वीजा के लिए 28 फरवरी को ही अप्लाई कर दिया था, जिसको अभी 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। और पहले मैच से मोइन अली ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो बुधवार को दोपहर 12 बजे तक क्वारंटीन में नहीं आते हैं, सीएसके टीम के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो पहले मैच से बाहर होने वाले हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो दूसरे मैच से भी बाहर हो सकते हैं। कब तक उनको वीजा मिलेगा, इस पर अभी तक कोई डिटेल नहीं है। सीएसके फैंस ये होप करेंगे कि जल्दी से उन्हें वीजा पेपर्स मिले, क्योंकि मोइन अली एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है सीएसके के लिए। पहले मैच में एमएस धोनी के लिए एक और परेशानी बढ़ गई कि कौन से चार विदेशी खिलाड़ी खिलाने वाले हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करो और सब्सक्राइब कर देना। बाय।